बच्चू आज तू जिन्ना मर्जी रो ले, आज नहीं तेनू छड़ना। इतना मसे मसे मेरा हाथ आता है तो आज तो मैं भाई पूरे बदले लूंगी पूरे हफ्ते के। आज फ्राइडे है तो मैंने कहा चलो बेटा शाबाश काम पे लग। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं जी बहुत मज़े का, सबका फेवरेट इंस्टेंट वाला जो है वो गाजर का हलवा, ठीक है जी। और साथ में हम खोया भी जो है वो खुद से घर पर ही बनाएंगे, जो कि बहुत सस्ते में बनेगा और जी बहुत जल्दी बनेगा, यकीन करें। और जो इसका फ्लेवर होगा ना, मैं कहती हूँ कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप बहुत ही जो है वो महंगे वाले रेस्टोरेंट का जो है वो गाजर का हलवा आप खा रहे हो, ठीक है जी। तो जी यहाँ पर आज फ्राइडे था जी, अहमद मेरे साथ काम करवा रहा था, ठीक है। तो जी जैसा कि आपने देखा कि हमने गाजरों को पहले अच्छे से जो है वो पील कर लिया, उसके बाद जी इसे हम कर लेंगे वॉश, ठीक है। गाजरें आपने रेड रेड लेनी है ताकि उनका कलर भी अच्छा आए। तो आपको पता है ये मीठी भी होती हैं, जिनके जिन गाजरों के अंदर वाला वो एक वाइट कलर का होता है ना एक, ठीक है, गाजर के अंदर एक होती है लकड़ी सी, वो आपने हार्ड वाली वो नहीं गाजरें लेनी है आपने, ठीक है। उसके बाद जी हम लेंगे कुकर और जी इसके अंदर एक गाजर, मतलब कि इसके दो दो पीसेस करके हम इस तरह से डालते जाएंगे, ठीक है। अगर गाजरें मतलब आपकी छोटे साइज की हैं तो आप इसे कट ना भी करें तो भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप इन्हें साबुत भी जो है वो रख कर तो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे गाजर जो बड़ी बड़ी थी, जो छोटी थी उन्हें मैं वैसे ही डालती जा रही थी, और जो बड़ी थी उनके मैं इस तरीके से जो है वो पीसीस करती जा रही थी, ठीक है। आप देख सकते हैं गाजर में रेड रेड है और जो अंदर वाला हिस्सा है उनका वो भी रेड है, ठीक है, जो कि आपने भी ये चीज़ जो है आपने चेक कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद जी क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने कुकर में गाजरों को शिफ्ट करने के बाद उसे रख दिया गैस पर, और जी आपने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो है वो देसी घी लेना है, ठीक है जी। और जी आपने ये देसी घी इन गाजरों के अंदर डाल देना है और जी यहाँ पर हम इसको भूनेंगे, ठीक है जी। गाजरों को देसी घी के अंदर भूनेंगे, आप यकीन करें इतना इसका अच्छा मज़े का फ्लेवर आएगा, ये स्टेप आपने मिस नहीं करना, ठीक है जी। साथ ही हम इसके जो है वो 2 इलायचियाँ लेके उसका मुंह खोल के वो भी डाल देंगे, और जी ताकि इनकी भी खुशबू जो है वो इनके अंदर अच्छे से चली जाए, ठीक है जी। ये स्टेप आपने ज़रूर करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद जी 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे तकरीबन 1/2 लीटर के करीब मेरे पास मिल्क था, ठीक है, बॉयल किया हुआ मिल्क था, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है जी। बस 1/2 लीटर ही हम इसमें डालेंगे जो कि इनफ होगा, ठीक है। ये जी दूध इसके अंदर चला गया, यहाँ पे एक बार हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स, ठीक है। और जी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुकर का जो ढक्कन है वो लगा देंगे, ठीक है। और जी तकरीबन 3 से 4 विसल्स आने तक इसे पकाएंगे, क्योंकि पता आपको पता है कि गाजर जो है बहुत अच्छे से जो है वो गल जाती है, ठीक है जी। यकीन करें इतना मैं आपको आसान तरीन तरीका बता रही हूँ ना हलवा बनाने का, बगैर कद्दूकश के, जो आप घंटों घंटों घिसते रहते हैं गाजरों को और बुरा हाल हो जाता है, यकीन करें आप एक बार बना के देखिएगा। साथ ही हम खोया बना लेते हैं जी, मैं आपको बताती हूँ खोया कैसे बनाना है। यहाँ पर जी भलाई, जो दूध की भलाई हम रखते हैं उतार के, तकरीबन 1/2 कप मैंने जो है यहाँ पर दूध की भलाई ले ली थी, ठीक है। अब एक कॉमन सेंस की बात ये है जी कि जो खोया है जो हम मार्केट से लेते हैं वो कैसे बनता है, वो दूध को पका पका के गाढ़ा जो हो जाता है फिर ही खोया बनता है ना। तो ये भलाई क्या है, भलाई भी तो दूध का वो हिस्सा ना जो पक के गाढ़ा हुआ होता है, गहरा हुआ होता है, ठीक है, भलाई भी तो वही है ना, ठीक है। तो जी हम इंस्टेंट वाला बना रहे हैं इस, ताकि हमें दूध को घंटों जो है वो पकाने की ज़रूरत ना पड़े, तो जी इसलिए यहाँ पे मैंने भलाई यूज़ की है। आपने ख्याल रखना है कि भलाई आपकी ज़्यादा पुरानी ना हो, क्योंकि अगर आपकी भलाई ज़्यादा पुरानी होगी तो वो घी जो है वो छोड़ देगी, तो आपको खोया तो नहीं मिलेगा, देसी घी मिल जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे तकरीबन जो है वो 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने जो है वो मिल्क पाउडर, ड्राई मिल्क पाउडर वो इसमें डाला है, ठीक है जी। अगर आपकी भलाई मतलब पुरानी से मुराद ये है कि अगर आपने काफ़ी महीनों से रखी है फिर आपने जो है वो अवॉइड करना है, आपने लेनी है तकरीबन जिसे आपने कोई 2 हफ्ते हो गए हों वो भी चल जाएगी, ठीक है। लेकिन इन केस अगर आपकी जो भलाई है जब आप उसे पकाते हो तो उसमें से ऑयल निकल आता है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ तब आपने क्या करना है। सबसे पहले तो जी हम यहाँ पर इसको जी अच्छे से पकाएँगे। एक दूसरा पॉइंट ये भी है कि अगर आप स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो भी जो है वो घी जो है निकलने लग जाएगा, ठीक है। आपने इसे हाई फ्लेम पे पकाना है, ठीक है, जल्दी जल्दी से इसे ड्राई करने की हमने कोशिश करनी है। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि अगर
हमारे जो है वो पकाते हुए इसमें से घी निकलना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे। तो जी बड़ा ही सिंपल तरीका है, आपने दो ब्रेड लेनी है, ठीक है, उसके किनारे रिमूव करने हैं और वो ब्रेड को छोटा छोटा तोड़ के आपने इसके अंदर डाल देना है और इससे अच्छे से जो है वो पका लेना है। आपको पता है ब्रेड कितनी जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, पक जाएगी, तो जी आपका खोया फिर भी बन जाएगा, आपका वो जो मेहनत होगी वो ज़ाया नहीं होगी, ठीक है जी। तो जी यहाँ पे आप देखें जैसे जैसे मैं इसे पकाती जा रही थी इसका कलर भी चेंज होता गया, ठीक है, और जी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। ये थोड़ा सा ऑयल इसमें से ज़रूर निकला है जो कि एक अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इतना नहीं निकला कि वो देसी घी की तरह, ठीक है जी। अगर आपका इस तरीके से निकला है, आपने जैसे मैंने बताया आपने ब्रेड डाल लेनी है उसके अंदर, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा खोया बिल्कुल परफेक्टली जो है वो रेडी हो चुका है और जी इसका टेस्ट मैं कहती हूँ उससे जो मार्केट वाला खोया उससे भी जो है वो 100 गुना बेहतर है, ठीक है जी। आपने ये ज़रूर बनाना है और तकरीबन इसको बनाने में 15 मिनट लग गए हैं, ठीक है जी। बस ये जल्दी जल्दी गहरा हो जाता है क्योंकि बलाई है, दूध नहीं है, दूध होता तो काफ़ी घंटे लगने थे। और जी हमने इसे हाई फ्लेम पे पकाना है। ये देखिए इसने पैन छोड़ दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये बिल्कुल हो चुका है रेडी। तो जी यहाँ पे तकरीबन 15 मिनट के बाद जब मैंने कुकर को खोला तो गाजरें बहुत अच्छे से यहाँ पे सॉफ्ट हो चुकी थी, अच्छे से गल चुकी थी। आपने इसको जो है वो चेक कर लेना है कि आपकी अच्छे से गल चुकी हैं या नहीं। यहाँ पे मैं आपको अभी चेक करवाती हूँ कि इसको मैं चम्मच के साथ, देखें मैंने इस तरह तरीके से किया तो कैसे ये जो है वो टूट गई, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने एक अलग से जो है वो कढ़ाई ले ली, ठीक है, उसके अंदर जी गाजरें सारी शिफ्ट कर देंगे, दूध नहीं, जस्ट गाजरें उसमें से निकालेंगे कुकर में से और जी इसके अंदर हम डाल देंगे, ठीक है जी। इसके बाद जी एक मैंने मैशर लिया और जी गाजरों को कर लेंगे यहाँ पर अच्छे से मैश। आपने बिल्कुल इसका पेस्ट नहीं बना देना, वो अच्छा नहीं लगता, गाजरों में एक टेक्स्चर जो है वो थोड़ा सा वो होना चाहिए, ठीक है जी। तो जी यहाँ पर हम इसे अच्छे से जो है वो मैश कर लेंगे, ठीक है। दूध अगर इसमें रहता तो जी मैश नहीं होनी थी, तो अब मसला होना था आपको, ठीक है, इसलिए मैंने दूध निकाल दिया अभी, ठीक है। दूध को हम बाद में ऐड करेंगे। यहाँ पे जी देखें तकरीबन इतनी सी जो है वो मैंने गाजर मैश की और जिसके बाद जो दूध था वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया और जी हम इसे हाई फ्लेम पे जो है वो पकाएंगे, ठीक है। साइडें भी आपने साफ़ करते रहना अच्छे से ताकि जो है वो साइडों पे लगी गाजरें जो है वो जले ना, ठीक है जी। यहाँ पर जी हम इसे करेंगे अच्छे से यहाँ पर पकाएँगे तब तक जब तक कि जो दूध है वो बिल्कुल यहाँ पर ड्राई नहीं हो जाता, ठीक है। इसी के साथ जी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे यहाँ पे देसी घी, अगर आपके पास नहीं है दूसरा भी आप ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1/2 कप के करीब जो है वो मैंने देसी घी इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। पहले हमने 1 टेबल स्पून जो है वो डाला था गाजरों को भूनते हुए, ठीक है जी। इस पॉइंट पे अब हम इसकी मज़ीद क्योंकि भुनाई करेंगे इसलिए जो है वो घी का ऐड करना ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पे मैंने 1/2 कप के करीब जो है वो इसमें चीनी ऐड कर दी, 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। आप देख लीजिएगा अपना हिसाब, जितना आपको मीठा पसंद हो आपने उतनी चीनी इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। आप टेस्ट इस पॉइंट पर थोड़ा सा कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो और ऐड कर लीजिएगा, ठीक है जी। चीनी भी डाल दी, घी डाल दी, अब जी हम इसकी करेंगे अच्छे से यहाँ पर भुनाई तब तक जब तक जो है वो जो घी है वो सेपरेट नहीं हो जाता। आपने इस तरीके से गाजरों को थोड़ा सा साइड पे करके देखना है कि आपका ये जो घी है इसमें से वो सेपरेट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है जी। जब घी सेपरेट हो जाए, दिखने लग जाए इस तरीके से, तो जी मतलब समझ जाए कि आपका जो हलवा है वो अच्छे से यहाँ पे भुन चुका है, पक चुका है, ठीक है जी। भुनाई इसकी बहुत ज़रूरी है, इसी से एक खुशबू आती है, प्यारा सा टेक्सचर आता है, नहीं तो इस तरीके से आपको लगेगा जैसे आप पता नहीं कच्ची गाजरें खा रहे हैं या गाजरें जिन्हें बॉईल किया हुआ आप वो खा रहे हैं, ठीक है जी, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपने इतना भूनना है कि गाजरों के अंदर से जो नमी है वो सारी ख़त्म हो जाए, ठीक है जी, और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। इसके बाद जी यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता और काजू, इन तीनों को मैंने कट किया और जी लास्ट में ये ऐड कर दी, ठीक है जी। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पर खोया जो हमने होममेड खोया बनाया, ठीक है। ये मैंने फ्रेशली बनाया और फ्रेशली यूज़ कर लिया। अगर आप इसको फ्रीज़र में रख देंगे थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, और बाद में अगर वो जैसे एक दानेदार खोया था ना जिसके दाने दाने बनते हैं, तो इसके भी दाने बन जाएंगे, लेकिन ये मैंने अभी गर्म गर्म ही था, ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने साथ साथ में ही बनाया, ठीक है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है जी। यहाँ पे इस तरीके से मैं कहती हूँ कि आपने एक बार ही रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है।
मैं इसकी जितनी तारीफ करूंगी ना उतनी कम है। ये इतना लाजवाब हलवा बना था, ये तो जब आप बनाएंगे तो ही आपको पता चलेगा। काश मैं आपको टेस्ट करवा सकती, ठीक है जी। जब आप इसे बनाएंगे ना तो आपको तारीफें ही सुनने को मिलेंगी। और जी मैं कहती हूँ कि आप बाहर वाला तो भूल ही जाएंगे, उससे भी ये लाख गुना बेहतर, इतना मज़े का। मैं कहती हूँ कि अब मैं क्या ही कहूँ इतनी तारीफें, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, हलवे की तारीफ कर रही हूँ कि ये बहुत बहुत मज़े का बना था। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और जी आई होप आपको ये रेसिपी बड़ी अच्छी लगी होगी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है मैं सारे पॉइंट्स आपको बताऊं, और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाने की कोशिश की है कि हलवा भी बहुत आसान तरीके से बनाया और खोया भी बहुत आसान तरीके से बनाया। घंटों का काम मिनटों में कर दिया। तकरीबन जो है ये दोनों काम आपके जो है वो आधा घंटा या ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट इतने में लग जाएंगे। और अगर हम दूसरे तरीके से बनाएं तो आपको पता है 3-3 घंटे चले जाते हैं, ठीक है जी। तो जी कर लेते हैं आज की अच्छी बात। अच्छी बात यह है जी कि शेख सादी का कौल है कि मेरे अच्छे वक्त ने दुनिया को बताया कि मैं कैसा हूँ, और मेरे बुरे वक्त ने मुझे बताया कि दुनिया कैसी है। तो जी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।